लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर आज डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने पदभार संभाला है। हमारे साथ ये बात करने के लिए सर, ये बताइए आपने पदभार संभाला है, किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी? हमारी प्राथमिकताएं शहर को प्लान बनाने की, यानी प्लानिंग को हमें ठीक तरीके से करने के लिए, और साथ ही साथ जो LDA की में योजनाएँ चल रही हैं उसे समयबद्ध रूप से हम लोग पूरी तरह से अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे। साथ साथ जो जनता की समस्याएं LDA से हैं उनको रिड्रेस करना है, उनके लिए हम लोग तत्पर रहें, उनके काम करें, साथ ही साथ एक पारदर्शी और स्वच्छ व्यवस्था दे सके, ये प्राथमिकता है। सर, अवैध पार्किंग की खबरें आती हैं, तमाम जगह अवैध पार्किंग खुली है, उसके बावजूद भी LDA कार्रवाई नहीं कर रहा है, सर इसके पीछे क्या लगता है कि क्या LDA इस चीज़ को छुपा रहा है या फिर लोग इसको समझ नहीं पा रहे? अब इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी, सूचीबद्ध किया जाएगा चीज़ों को और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सर कुल मिला के देखा जाए तो जो अवैध पार्किंग पर आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन शहर में तमाम अवैध पार्किंग खुली हैं और आप नगर निगम में भी रह चुके हैं, तो कुल मिला के लखनऊ को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो क्या लगता है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, भरसक कार्रवाई हम लोग करेंगे, पहले प्लान कर लें। अभी तो आज मैंने ज्वाइन किया, प्लानिंग हम लोग बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करेंगे, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, उसके बाद सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। सर आखिरी सवाल ये था, जो आवंटी आते हैं उन्हें कहीं भूखंड प्राप्त नहीं होता है, पैसे भी भर दिए जाते हैं, वो समस्या को कैसे निजात दिलाएं? अब ये सभी हमारी जो समस्याएं हैं इसके लिए हम लोग रोड मैप बना रहे हैं, अभी बैठक भी हुई थी, इस पर हम लोग पाक्षिक, मासिक और साप्ताहिक रूप से बैठकें करेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारे साथ डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी समस्याएं हैं LDA को लेकर वो बहुत ही जल्दी निस्तारित की जाएंगी। कैमरा में शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम TV लखनऊ।